नाउ अब हम आज की क्लास में बेटा जो नॉन फार्म एक्टिविटीज के बचे तीन पार्ट्स हैं लाइक फिशरीज, हॉर्टिकल्चर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक एक करके पहले हम जरा पॉइंट्स को समझते हैं, फिर एक बार सारा कुछ समझाने के बाद फिर हम नोट करने वाला काम स्टार्ट करेंगे। बेटा देखो, फिशरीज सबसे पहली चीज बेटा, अगर हम बात करें कि फिशरीज होता क्या है, सो इट इज बेसिकली एन ऑक्यूपेशन, ठीक है, जो कि किससे रिलेटेड होता है, कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, अब देखो बेटा, जो फिशरीज का बिजनेस है, ठीक है, वो एक सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट होता है बेटा। ठीक है, और रूरल एरियाज के डेवलपमेंट में फिशरीज भी एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट रोल कॉन्ट्रीब्यूट करता है। हम बात करें अगर फिशरीज का बेटा, मतलब ओवरऑल के बारे में, तो ध्यान रहे फिशरीज हमारी कंट्री के जीडीपी में अप्रोक्सीमेटली 0.8% का टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको फिशरीज के बिजनेस में समझना है बेटा, ठीक है, वो ये समझना है कि फिशरीज को, मतलब फिशरीज के प्रोडक्शन के लिए हमें जो वाटर बॉडीज की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर बॉडीज का मतलब ओशंस, रिवर्स, लेक, नेचुरल एक्वेटिक पॉन्ड्स, ठीक है, स्ट्रीम्स, इन सारी चीजों को बेटा हम फिशरीज के बिजनेस का क्या बोलेंगे, मदर बोलेंगे। यानी फिशिंग कम्युनिटी के लिए बेटा जितने भी आपकी वाटर बॉडीज होती हैं, जहां पर फिश सरवाइव करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मदर बोलते हैं, बिकॉज दे प्रोवाइड द लाइफ गिविंग सोर्स टू द फिशिंग कम्युनिटी। ये बात समझ में आई सब बच्चों को? ओके, एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें आपको ये समझना बेटा कि फिशरीज का जो बिजनेस है, ठीक है, फिशरीज के बिजनेस के अंदर बेटा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब जैसे अगर हम लेट सपोज फिश मार्केट की बात करें बेटा, या जो हमारे अदर एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे क्रैब हो गया, ठीक है, और भी कई टाइप के मतलब कमोडिटीज हम बोल सकते हैं, लिविंग कमोडिटीज होते हैं जिनकी मार्केट होती है, नॉन वेज फूड की मार्केट होती है। आप अगर वहां नोटिस करो बेटा, तो कई सारे लोकल प्रोडक्ट्स तो अवेलेबल होते हैं, सिमिलरली कई सारे बेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए हुए भी प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे फिश की बात करें तो कितने सारे ऐसी फिश होती है बेटा जो इंडिया में प्रोड्यूस नहीं होती, बाहर से प्रोड्यूस होकर के हम उन्हें इंपोर्ट करते हैं। सिमिलरली बेटा इंडिया में भी कितनी सारी ऐसी फिशेस की प्रोडक्शन होती है जो बाहर की कंट्रीज में हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो यानी बेटा फिशरीज का एक ऐसा बिजनेस है जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट दोनों करता है। और एक चीज ध्यान रखना बेटा, फिशरीज के अंदर जो हमारे इनलैंड सोर्सेज होते हैं, मतलब जो हमारी कंट्री के अंदर ही प्रोडक्शन होता है बेटा, ठीक है, इनलैंड सोर्सेज का मतलब जैसे कि रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, जिन इन सब चीजों के अंदर जो फिशरीज का प्रोडक्शन होता है बेटा, वो होता है अप्रोक्सीमेटली 64%। एंड जो मरीन सेक्टर होता है, सी एंड ओशंस में, वहां पर जो फिश का प्रोडक्शन होता है बेटा वो होता है टोटल 36% का। ये बात क्लियर हुई सब बच्चों को? ओके, अब हम बात करें बेटा शेयर की, ठीक है, कि क्या मतलब फिशरीज का बिजनेस कितना शेयर कंट्रीब्यूट करता है। तो बेटा ध्यान रखना, हमारी कंट्री की जीडीपी में फिशरीज का बिजनेस अप्रोक्सीमेटली 0.8% का टोटल कंट्रीब्यूशन करता है। एंड जो मेजर स्टेट्स फिशरीज बिजनेस में फोकस्ड है बेटा, दैट इज वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, ये हमारे मेजर फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। और इस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड बेटा एक लास्ट पॉइंट है, विमेन्स का पार्टिसिपेशन, ठीक है, इन फिशरीज। देखो फिशरीज का दो तरीके से प्रोसेस होता है बेटा, एक होता है कैचिंग का प्रोसेस और एक होता है उनकी मार्केटिंग का प्रोसेस। वैसे अगर आप देखो तो ये चार प्रोसेस में डिवाइड होता है, जहां पर सबसे पहले बेटा फिशरीज के लिए, मतलब फिश के प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले बेबी फिश खरीद के लेके आते हैं लोग, ठीक है, जिसको आप रॉ मटेरियल बोल सकते हो। फिर उनको बेटा पॉन्ड्स या जितने भी आपके वाटर बॉडीज होती है उनके अंदर उनको सर्वाइव किया जाता है, उनकी मेंटेनेंस की जाती है, जब वो थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं तब उनको जाकर के मार्केट में सेल आउट किया जाता है। ठीक है, सो ध्यान रहे विमेन्स फिश की कैचिंग में, मतलब फिश पकड़ने में इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं होती, लेकिन फिशिंग की मार्केटिंग में, मतलब फिशिंग का जो सेल आउट का प्रोसेस होता है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो प्रोसेस होता है बेटा, उसके अंदर विमेन्स की एम्प्लॉयमेंट एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बात समझ में आई?
अगर आप नोटिस करो बेटा, तो 60% ऑफ द वर्कफोर्स इन द एक्सपोर्ट मार्केटिंग एंड 40% हमारी बेटा इंटरनल मार्केटिंग के अंदर वुमेन्स की एम्प्लॉयमेंट होती है। इंटरनल मार्केटिंग मतलब बेटा जैसे जो जहां पर फिश जो लोग बेचते हैं उनमें 40% बेटा वुमेन्स होती है, मतलब देखा गया है ऐसा स्टडी के थ्रू। और जो एक्सपोर्ट का प्रोसेस होता है उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 60% देखा गया है कि वुमेन्स जो है वो एम्प्लॉयड होती है। यहां तक सारे बच्चे क्लियर? ओके। लेकिन अगर हम बात करें बेटा कि फिशरीज के बिजनेस में प्रॉब्लम क्या है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये बेटा कि ज्यादातर ऐसा देखा गया जो फिश वर्कर्स की फैमिलीज होती हैं वो बहुत पुअर कंडीशन में होती हैं, ठीक है। और ऐसे में बेटा उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है बेटा कि मतलब रॉ मटेरियल खरीदने के लिए उनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, फिशेस की मेंटेनेंस के लिए उस पर भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे इन्वेस्टमेंट के लिए बेटा उनके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते क्योंकि वो पुअर पीपल होते हैं, उनके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट नहीं होता है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। दूसरी अगर हम प्रॉब्लम की बात करें बेटा, तो दूसरी प्रॉब्लम ये होती है, मतलब ऐसा देखा गया है कि फिशरीज के बिजनेस के अंदर सिंस फिश जो होता है वो एक पेरिशेबल नेचर का प्रोडक्ट माना जाता है बेटा, क्योंकि अगर सपोज करो फिश आया, ठीक है, लेट सपोज फिश हमने कैच करके मार्केट में बेचने ले आया बेटा, तो विदिन अ डे, विदिन टू डेज या मैक्सिमम थ्री डेज हमें उस फिश को सेल आउट करना जरूरी होता है बेटा, क्योंकि एक बार अगर उसकी क्वालिटी खराब हो गई बेटा तो फिर वो फिश किसी भी हालत में मार्केट में बिकने लायक यानी सेलिंग के लिए मतलब क्वालिटी वाइज वो उतना अच्छा रह नहीं जाता। और इसीलिए बेटा जो एक प्रॉब्लम देखी जाती है वो ये है कि फिशरीज के बिजनेस के अंदर जो पर कैपिटा इनकम है, दैट इज पर कैपिटा अर्निंग, वो बहुत ही लोअर स्केल पे होता है। क्लियर? ओके। इसके अलावा बेटा वाइड स्प्रेड अंडर एम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ मोबिलिटी ऑफ लेबर। बेटा ध्यान रखना, लेबर्स की मोबिलिटी का सबसे बड़ा इश्यू क्रिएट होता है आपके इसके अंदर फिशरीज के मार्केटिंग के अंदर, क्योंकि बेटा फिशरीज का ऐसा बिजनेस है जो आप बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं रख सकते, और सिंस बहुत सारे लोग बेटा इलिटरेट होते हैं या फिर डेट बर्डन से मतलब डेट बर्डन की प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी बेटा वो अपने आप को फिशरीज के बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा मतलब आप ये कह सकते हो अपॉर्चुनिटी नहीं गेन कर पाते हैं। यहां तक सबको समझ में आया? ओके। नेक्स्ट, उसके बाद जो हमारी नॉन फार्म एक्टिविटी का पार्ट है बेटा, दैट इज हॉर्टिकल्चर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें हॉर्टिकल्चर के बारे में समझना है बेटा वो ये है कि हॉर्टिकल्चर को हम साइंस और आर्ट दोनों बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा देखो साइंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि कितने सारे ऐसे प्रोडक्शन है बेटा हॉर्टिकल्चर के अंदर जो जहां पर टेक्निकल टर्म्स यूज होते हैं, जहां पर टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, और उन टेक्नोलॉजी की हेल्प से बेटा हम हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं। और आर्ट इसलिए बोला जाता है बेटा क्योंकि कितने सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं बेटा जिनको हम अपनी क्रिएटिविटी से और ज्यादा मार्केट में डेवलप करते चले जा रहे हैं। एक एक एग्जाम्पल समझना बेटा, क्या अब लोग फ्लावर्स का भी प्रोडक्शन करते हैं, फूल का, फ्लावर्स का? ओके, दैट्स अ पार्ट ऑफ आर्ट बेटा। लेकिन अभी बात बताओ, क्या हमने ये देखा है कि कितने सारे वेजिटेबल्स, कितने सारे बेटा फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनको टेक्नोलॉजिकली मतलब हाइब्रिड सीड्स या इन चीजों को यूज करके प्रोड्यूस किया जाता है? सो दैट्स अ पार्ट ऑफ साइंस। सो अगर हम देखें हॉर्टिकल्चर है क्या बेटा, सो हॉर्टिकल्चर के अंदर बेटा हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ट्यूबर क्रॉप जो बेसिकली जमीन के अंदर जो फूड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है, इसके अलावा बेटा मेडिकल प्रोडक्ट्स, एरोमेटिक प्लांट्स, स्पाइसेस, क्रॉप्स का प्लांटेशन, ये सारी चीजें बेटा हॉर्टिकल्चर का पार्ट होती हैं। और ध्यान रखना बेटा आज के टाइम पे हॉर्टिकल्चर जो होता है वो आपको एक न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करता है और साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करता है। बात समझे सारे बच्चे? ध्यान रखना बेटा हॉर्टिकल्चर ने इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम को काफी ज्यादा वाइड स्प्रेड किया, डाइवर्सिफाई किया, जिसके अंदर बेटा जो फार्मर्स
खारीफ एंड राबी सीजन्स के अंदर अपनी फार्मिंग नहीं कर पा रहे होते थे, उनके लिए हॉर्टिकल्चर अपनी लैंड, मतलब अपनी लैंड पे वो हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करके अपनी सर्वाइवल को, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को काफी हद तक इम्प्रूव कर पाए हैं। क्लियर? ओके, देन बेटा अब हम बात करें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हॉर्टिकल्चर के अंदर। तो सबसे पहली चीज ध्यान से समझना, हॉर्टिकल्चर कॉन्ट्रीब्यूट 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट। मतलब जो हमारा नॉर्मल एग्रीकल्चरल आउटपुट प्रोड्यूस होता है बेटा, उसका 1/3 पोर्शन, उसका 1/3 पोर्शन यानी नियरली अबाउट 30% का प्रोडक्शन बेटा हॉर्टिकल्चर भी प्रोड्यूस करता है। एंड दिस इज वाई हॉर्टिकल्चर का बेटा कंट्री की जीडीपी में अप्रोक्सीमेटली 6% का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। अगर इसका एग्जाम्पल समझना हो, एग्जाम्पल समझे बेटा, क्या आज के टाइम पे हम सारे, मतलब मैं और आप सारे बच्चे, हम लोग फ्रूट्स कंज्यूम करते हैं कि नहीं करते हैं? ओके, बट हम सारे के सारे लोग वेजिटेबल्स भी कंज्यूम करते हैं, बोलो हाँ, ठीक है। सो दैट मींस व्हाट बेटा, कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती चली जा रही है बेटा, वैसे वैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज होती चली जा रही है, और उसी की वजह से बेटा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की मार्केट जो है वो भी इंक्रीज हो रही है। दिस इज व्हाई कि हॉर्टिकल्चर बेटा हमारे एग्रीकल्चर का 1/3 पोर्शन कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, और कंट्री की जीडीपी में भी 6% का एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोड्यूस करता है। क्लियर? ठीक। और अगर हम 2010-11 की डेटा की बात करें बेटा, सो इंडिया बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड। मतलब 2010-11 के डेटा के अकॉर्डिंग बेटा इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के प्रोड्यूसर का। क्लियर? सारे एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बेटा, वो भी ध्यान से समझेंगे, इंप्रूव द इंप्रूवमेंट इन द इकोनॉमिक कंडीशन। अब जरा समझना ये कैसे होता है बेटा। देखो कई सारे फार्मर्स ऐसे होते थे बेटा जिनके पास लैंड तो अवेलेबल होती थी, बट ड्यू टू सो मेनी रीजंस, ड्यू टू सो मेनी प्रॉब्लम्स बेटा, वो अपने लैंड पे खारीफ एंड राबी सीजन के प्रोडक्शन को ज्यादा यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे, या फिर उनको उनसे ज्यादा प्रॉफिट नहीं क्रिएट हो रहा था, और उसकी वजह से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग धीरे धीरे क्या होता जा रहा था बेटा, फॉल करता चला जा रहा था, मतलब बेकार होता चला जा रहा था। बट जैसे ही उन्होंने बेटा अपनी क्रॉपिंग पैटर्न को शिफ्ट किया हॉर्टिकल्चर के अंदर, तो बेटा उससे क्या हुआ, उनकी मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, मार्केट में उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड इंक्रीज हुई, और धीरे धीरे उसकी वजह से बेटा उनका पर कैपिटा इनकम एज वेल एज उनकी इकोनॉमिक कंडीशन दोनों इंप्रूव हुई। बात समझे सारे बच्चे? ओके फाइन। एंड बेटा अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बेटा वुमेन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, देखो फ्लावर की हार्वेस्टिंग करना, नर्सरी की मेंटेनेंस रखना, हाइब्रिड सीड्स की प्रोडक्शन करना, टिश्यू कल्चर, ठीक है, फ्रूट्स की प्रिपरेशन करना, ये सारे बेटा वो काम है जिनके अंदर बेटा देखा गया है कि रूरल एरियाज के अंदर सबसे ज्यादा वुमेन्स पार्टिसिपेट करती हैं। इसीलिए बेटा रूरल एरिया के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी वुमेन्स अनएम्प्लॉयमेंट की, वो काफी हद तक सॉल्व हुई है बिकॉज ऑफ हॉर्टिकल्चर या बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द हॉर्टिकल्चर। और उसकी वजह से बेटा वुमेन्स का तो डेवलपमेंट हुआ ही हुआ है रूरल एरियाज के अंदर, साथ साथ ओवरऑल रूरल एरिया का भी डेवलपमेंट देखा गया है। बात समझे सारे बच्चे? ओके, एंड देन बेटा हमारा लास्ट पॉइंट दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन टर्म्स ऑफ यूज ऑफ कंप्यूटर्स, यूज ऑफ सॉफ्टवेयर, यूज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, यूज ऑफ ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बेटा, ये सारी चीजें क्या शो करती हैं कि रूरल एरियाज और रूरल एरियाज के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंट रोल है बेटा। एक एक करके समझना जरा, पहला क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछता हूँ, ठीक है, जवाब देंगे आप लोग। क्या बेटा आज के टाइम पे फार्मर अपनी सॉइल की फर्टिलिटी चेक करा सकता है?
बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ओके बेटा, मार्केट में एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए अच्छे अच्छे फर्टिलाइजर, दैट मींस बेसिकली केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल सीड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीजें मतलब मार्केट में आने लगी हैं अब। और अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो ये बेसिकली एक एडवांसमेंट है, ठीक है, इन आईटी सेक्टर का। और कहीं ना कहीं बेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू हम फार्मर्स को इस बारे में इन्फॉर्म भी करते हैं कि किस प्रपोर्शन में आपको फर्टिलाइजर यूज करना है, कैसे आपको पेस्टिसाइड्स यूज करना है, किस टाइम पे इरिगेशन फैसिलिटी करनी है, किस टाइम पे क्रॉपिंग करना है, किस टाइम पे कटिंग करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन भी हम बेटा रूरल एरियाज में लोगों को पहुंचा देते हैं। बोलो। और अगर आप नोटिस करो तो इसके लिए क्या होता है बेटा, रेडियो टेक्नोलॉजी मतलब रेडियो रेडियो पे मतलब क्या नाम है, कुछ प्रोग्राम्स चलते हैं। इसके अलावा बेटा टीवी पर भी एडवर्टीजमेंट आता है, बैनर्स लगते हैं, अनाउंसमेंट्स होती हैं। तो ये सारी चीजें क्या है बेटा, हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सिमिलरली बेटा, अब जैसे कि अगर आप नोटिस करो आजकल के टाइम पे बेटा, जैसे कटिंग की कितनी अच्छी सारी मशीन्स आ चुकी हैं, क्रॉपिंग के लिए कितनी सारी मशीन्स आ चुकी हैं, इरिगेशन फैसिलिटी को यूटिलाइज करने के लिए कई सारी टेक्निक आ चुकी है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बेटा विंड इलेक्ट्रिसिटी या फिर सोलर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, उसको काफी जनरेट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखो तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या हम रूरल एरियाज का डेवलपमेंट करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाकी बच्चे So, ये सारी चीजें क्या हेल्प करता है बेटा, रूरल एरिया को एक नॉलेज सेक्टर में कन्वर्ट करता है, जहां पर बेटा सोसाइटीज को हर एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज मिलती है, प्लस वो अपनी प्रोडक्शन को या फिर प्रोडक्टिविटी को कैसे सस्टेन करें और आने वाले टाइम में बेटा सस्टेनेबल एनवायरमेंट के लिए वो क्या क्या मतलब काम कर सकते हैं, ये सारी चीजें बेटा रूरल एरियाज में लोगों को कन्वे करके रूरल एरियाज को एक नॉलेज इकोनॉमी या फिर नॉलेज विलेज के तौर पे, स्मार्ट विलेज के तौर पे बेटा कन्वर्ट किए करने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है। एंड कहीं ना कहीं बेटा ये सारी चीजें भी रूरल एरियाज के अंदर डेवलपमेंट क्रिएट करती हैं। बात समझ गए सारे बच्चे?